स्वामी सत्य रूपानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय माननीय डॉक्टर दापके जी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की आदरणीय प्राचार्या श्रीमती पटेल जी, विद्यापीठ आवासीय विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य श्री प्रसाद जी, उपस्थित देवियों सज्जनों तथा प्रिय छात्र छात्राओं, आज बसंत पंचमी है। बहुत से लोग बात कर रहे हैं, तो जिनके साथ बच्चे हैं वो माता पिता ध्यान दें कि बच्चे चहलकदमी मत करें और बात मत करें, और सभा में उपस्थित लोगों से भी अनुरोध है कि थोड़े समय शांति वो बनाए रखें, क्योंकि बात तो हमेशा करते रहते हैं, कभी अवसर मिलता है शांत रहने का तो थोड़ा सा शांत रहने का अभ्यास किया जाना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि आज बसंत पंचमी है। बसंत को ऋतुराज कहा गया है। कवियों और लेखकों ने अपनी लेखनी के द्वारा बसंत का वर्णन करके अपनी लेखनी को धन्य किया है। सारा साहित्य बसंत के सौरभ से सौरभित हो रहा है। बसंत के आते ही विशेष रूप से गांवों में देखा जाता है कि पक्षियों का मधुर कुंजन प्रारंभ हो जाता है। आम्र मंजरी में, आम्र फल में बौर आने लगते हैं। आम्र मंजरी की सुगंध से सारा वातावरण सौरभित होता है। होली और धमार के गीतों का गान बसंत पंचमी से मानो प्रारंभ हो जाता है। अनेक प्रकार के पुष्प, डहलिया, सेवंती, मोगरा, गेंदा, मोगरा तो नहीं, गेंदा, गुलाब, ये सब अपनी अनुपम छटा से खिलने लगते हैं। सारा वातावरण बड़ा अद्भुत और सुंदर हो जाता है। और यह जो बसंतोत्सव है वह भक्तों के लिए और विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी माना गया है। इस बसंतोत्सव के अधिनायक भगवान श्री कृष्ण हैं। ब्रज में इस समय राधा माधव के आनंद विनोद से सारा ब्रज उल्लसित होते रहता है। वैसे तो ईश्वर की आराधना के लिए प्रत्येक क्षण बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है, पर प्रकृति भी मनुष्य के जीवन में आनंद और उत्साह की सर्जना में अपना बहुमूल्य योगदान देती है। और यह वसंत एक ऐसा अवसर है जब प्रकृति अपने शत शत हाथों से मानो अत्यंत उदार भाव से आनंद और उत्साह का वितरण लोगों में करती है। और ऐसी मान्यता है कि इस ऋतु में ध्यान करने से शीघ्र ही साधक का मन भगवान में रम जाता है। विद्यार्थियों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। विद्याध्ययन प्रारंभ करने के लिए इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। आज के दिन विद्याभ्यास प्रारंभ किया जाता है, ऐसी देश के बहुत से भागों में प्रथा है। आपने अभी देखा कि दो बच्चों ने विद्याभ्यास प्रारंभ किया, तो आज के दिन की बड़ी महिमा गाई गई है विद्याभ्यास प्रारंभ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो बसंत पंचमी है यह भगवती सरस्वती का जन्म दिवस है। आज के दिन भगवती सरस्वती का आविर्भाव माना गया है। भारतीय संस्कृति में भगवती सरस्वती की अप्रतिम महिमा गाई गई है। वे ही समस्त ज्ञान विज्ञान, विद्या मेधा बुद्धि धारणा कला साहित्य
इन सब विषयों की वे अधिष्ठात्री देवी हैं। वैसे तो सभी देवता विशेष शक्ति और विशेष ज्ञान से संपन्न होते हैं, पर भगवती सरस्वती साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी। बसंत पंचमी के दिन इनका आविर्भाव माना जाता है और इस दिन विशेष रूप से इनकी पूजा अर्चना की जाती है और इनकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये ज्ञान स्वरूपा और सर्वव्यापिनी है। व्यक्ति सामान्य अवस्था में उनके महत्व की अनुभूति नहीं कर सकता। भगवती सरस्वती के महत्व की अनुभूति करने के लिए व्यक्ति को अपनी बहिर्मुखता का त्याग करना पड़ता है, अंतर्मुखी होना पड़ता है। जब व्यक्ति की वृत्तियां पूर्णतः अंतर्मुखी होती हैं, तब भगवती सरस्वती उनके हृदय में प्रतिभात करती है और फिर उसका जीवन धन्य होता है। इनका मूल स्थान शशांक सदन है, अर्थात अमृतमय प्रकाश पुंज ही इनका आदि स्थान है और वहीं से वे 50 अक्षरों के द्वारा ज्ञान की अजस्र धारा प्रवाहित करती हैं। इनका तेज दिव्य और अपरिमेय है और वे ही साधुओं संतों द्वारा मनुष्यों द्वारा शब्द ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित और पूजित की जाती हैं। शुद्ध सत्व स्वरूपा होने के कारण वे सदैव आनंद और उल्लास से युक्त रहती हैं तथा इनके जीवन में शुचिता, पवित्रता, दिव्यता का निरंतर अधिवास रहता है। इनके जो अधर हैं वो एक मंद स्मित से सुशोभित होते हैं। ऋषि मुनि साक्षात ब्रह्म विद्या के रूप में इनकी उपासना करते हैं और इनकी कृपा को प्राप्त करके धन्यता की अनुभूति करते हैं, इस संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। यह जो सरस्वती शब्द है संस्कृत की श्री धातु से बना है। श्री धातु के आगे असुन प्रत्यय लगाने से सरस पद सिद्ध होता है, अर्थात जो सरस की अधिष्ठात्री देवी हैं वही सरस्वती हैं। श्री धातु का अर्थ संस्कृत में होता है गति। जहां गति है वहां बाधा नहीं है, जहां बाधा है वहां अंधकार है, जहां गति है वहां प्रकाश है और भगवती सरस्वती नित्य प्रकाशित हैं। उनका ज्ञानालोक अखिल भुवन ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। गद्य में या पद्य में, शब्द के रूप में या वाक के रूप में जिसका नित्य प्रसारण होता है वही सरस्वती है। भगवती सरस्वती संसार के सभी वस्तुओं में अनुस्यूत है। संसार के सभी पदार्थ मानो भगवती सरस्वती के ही विभिन्न रूप हैं। नाना रूपात्मकम सर्वम यस्यामावेश्यताम पुनः गायन्ति ब्रह्म रूपैका सा माम पातु सरस्वती। संसार में जितने भी नाम रूप हैं वे उनके ही नाम रूप हैं। वे ही विभिन्न नाम रूपों के रूप में प्रवर्तित होकर अखिल विश्व का रूप धारण करती हैं, किंतु यह जो नाम रूप है यह उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह तो उनका माया परिच्छन्न रूप है। उसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए साधक समाधि की अवस्था में उस नाम रूप का निरसन करते हैं और जब भगवती सरस्वती की कृपा उन पर होती है तब भरतवीर सरस्वती उनको जीवन को धन्य करती है, उनको दर्शन देती है। भगवती सरस्वती या कुंदेन्दु तुषार हार धवला है। अभी आपने एक बहुत सुंदर स्तोत्र भगवती सरस्वती का सुना, बहुत प्राचीन स्तोत्र है। वह मानो उस श्लोक के द्वारा ध्यान चित्र प्रस्तुत किया गया है। भगवती सरस्वती कुंदेन्दु तुषार हार धवला है। वे कुंद के फूल,
हार बर्फ और माला के समान सफेद हैं, वे शुभ्र वस्त्रविता हैं, वे शुभ्र वस्त्र धारी हैं, या वीणा वर मंद करा है, उनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित हैं, वे श्वेत पद्मासना हैं, श्वेत कमलासन पर वे बैठती हैं, वे ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देव ही सदा वंदिता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के द्वारा वे सदा वंदित होती हैं, वे जाड्यांध का रापहा हैं, वे जड़ता का विनाश करती हैं, वे ही समस्त दिशाओं में पूंजीभूत हुई हैं। आशा सुराशि भवदंग वल्ली भासैव दासी कृत दुग्ध सिंधुम मंदस्मितैर निंदित शारदेन्दुम वंदे विंदासन सुंदरित्वाम। वे ही समस्त दिशाओं में पूंजीभूत हुई हैं, अपने देह लता की आभा के द्वारा वे क्षीर सागर को भी मानो तिरस्कृत करती हैं, अपने मंद मंद मुस्कान से वे शरद ऋतु की चंद्रमा को भी लज्जित करती हैं। भगवती सरस्वती बुद्धि और वाणी की देवता हैं। सरस्वती च ताम नवमी वाक धृष्टात्र देवताम दैवतम प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रह तो जना। इनकी कृपा से जो मनुष्य है वह देवता बन जाता है। फिर भगवती सरस्वती शुक्लाम है, शुक्लवर्णा है, ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम है, वे ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, जगत व्यापिनी हैं, सारे संसार में व्याप्त हो रही हैं, ये वीणा पुस्तक धारिणी हैं, अभयदाम अभय प्रदान करने वाली हैं, जड़ता को दूर करने वाली हैं, हस्ते स्फाटिक मालिकाम च दत्तिन, हाथ में वो स्फटिक मणि की माला धारण करती हैं, पद्मासने संस्थिताम पद्मासन में कमलासन में वे बैठती हैं। ऐसे भगवती सरस्वती की हम लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो ऐसी भगवती सरस्वती हैं, आज के दिन इनकी विशेष पूजा आराधना की जाती है। भगवती सरस्वती की उत्पत्ति की बहुत सी शास्त्रों में कथाएं हैं। दैवी भागवत के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण के जिह्वा के अग्र भाग से भगवती सरस्वती का जन्म हुआ और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारायण को, भगवान नारायण को भगवती सरस्वती को प्रदान किया। और फिर पुराणों में भगवती सरस्वती के उद्गम की कथा है। एक पुराण में भगवती सरस्वती के उद्गम की कथा है कि भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि का निर्माण करने के लिए ध्यान में बैठे, समाधि में डूब गए, उनका जो पूरा शरीर है वह सत्व गुण से आपूरित हो उठा और तब उनके शरीर से भगवती सरस्वती का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवती सरस्वती से तुम पूछा कि तुम कौन हो, और तब भगवती सरस्वती ने कहा कि मैं तो आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, अब आप मुझको बतलाइए कि मैं कहाँ निवास करूँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ। और तब कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवती सरस्वती के निवास के तीन स्थान बताए। पहला तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक अंश में तुम सदैव मेरे पास रहो। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि तुम इस पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित होकर लोगों का कल्याण करो, लोगों की जीवन को धन्य करो। और फिर तीसरा स्थान उसको बताया कि तुम विद्वान की जिह्वा पर निवास करो। भगवती सरस्वती ब्रह्मा जी के इन तीनों आदेशों का पालन करती हैं और कथा ऐसी कहती है कि वह ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में हमेशा ब्रह्मा जी के साथ रहती हैं। कई स्थानों पर पुराणों पर भगवती सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री भी बताया गया है और ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती आजीवन कुमारिका व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मा की सेवा में लीन रहती हैं, ब्रह्मा की सेवा करती रहती हैं। फिर ब्रह्मा जी ने भगवती सरस्वती से कहा था कि तुम नदी के रूप में इस पृथ्वी पर प्रवाहित हो, लोगों का कल्याण करो, तो भगवती सरस्वती नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं। हमारे पुराणों में ऐसी अनेक कथा हैं जहाँ पर भगवती सरस्वती नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी जब यज्ञ कर रहे थे तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवती सरस्वती नदी के रूप में वहाँ पर अवतरित हुई और उस समय कहा जाता है उसका जो दिव्य शरीर है
वह अत्यंत प्रभा युक्त था, तेजी युक्त था, सुप्रभा के नाम से वहां पर वह प्रकट हुई। फिर उसी प्रकार नैमिषारण्य में ऋषियों का द्वादश वर्षीय सत्र चल रहा था और वहां पर भगवती सरस्वती नदी के रूप में प्रकट हुई, नदी के रूप में लोगों के जीवन को धन्य करती हैं। तो ऐसे अनेक अवसर पुराणों में आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन को धन्य करने के लिए भगवती सरस्वती नदी के रूप में अवतरित होती है, मनोरमा के नाम से, उद्यवती के नाम से, विमलोदका के नाम से, सरस्वती के नाम से। इलाहाबाद में सरस्वती नदी तो अपने आप में बड़ी पुण्यतोया है, बहुत प्रसिद्ध है, अत्यंत महत्व को प्राप्त की हुई है। तो नदी के रूप में भगवती सरस्वती प्रवाहित होती हैं और लोगों के जीवन को धन्य करती हैं, कृतार्थ करती हैं और इस प्रकार ब्रह्मा जी के निर्देशों का पालन करती हैं। और फिर तीसरा ब्रह्मा जी ने कहा था, तुम विद्वानों की जिह्वा पर भी निवास करो। भगवती सरस्वती कथा है कि विद्वानों विद्वान पुरुष की खोज में निकलती हैं, सारा सतयुग घूमते घूमते बीत जाता है, अंतरिक्ष, स्वर्ग, आकाश सब जगह घूमती हैं, कोई ऐसा विद्वान पुरुष भगवती सरस्वती को मिलता नहीं है कि जिसकी जिह्वा पर वह निवास करे। और तब सतयुग समाप्त होता है, त्रेता युग का प्रारंभ होता है, भगवती सरस्वती तमसा नदी के किनारे विचरण करती रहती हैं। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि का एक आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि ने एक दिन देखा कि आकाश में दो क्रौंच पक्षी आपस में प्रेम लीला में निमग्न है। वो देख रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बाण सरसराता हुआ आया और वह बाण नर क्रौंच को विद्ध कर दिया। नर कौंच पर वह बाण पड़ा, उस बाण से विद्ध होकर नर कौंच घायल होकर गिर गया, उसका शरीर लोहू लोहान हो गया था, मर्मांतक पीड़ा से वह कराह रहा था और उसकी पत्नी क्रौंची वह भी अत्यंत दारुण व्यथा से उसके चारों ओर घूम रही थी, आर्तनाद कर रही थी, अत्यंत करुण स्थिति वहां पर निर्मित हो गई थी। और जब ऐसे करुण समय को महर्षि वाल्मीकि ने देखा तो उनके हृदय की सारी करुणा मानो काव्य के रूप में प्रकट हो गई और बिना किसी प्रयास के महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये शब्द निकल उठे। महर्षि वाल्मीकि कह उठे, मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। अरे निषाद, जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम चिरकाल तक प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं करोगे, चिरकाल तक तुम शांति की प्राप्ति नहीं करोगे, क्योंकि तुमने प्रेम में निबद्ध इन दो पक्षियों में से एक पक्षी को बहुत निर्ममता पूर्वक तुमने मारा है। तो जाओ जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम जीवन भर शांति की प्राप्ति नहीं करोगे। वियोगी होगा पहला कवि, आड़ से उपजा होगा गान, उमड़ कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। आदि कवि थे महर्षि वाल्मीकि, पहला काव्य सृष्टि का उनके मुख से भगवती सरस्वती की कृपा से निश्रित हुआ। महर्षि वाल्मीकि भी स्वयं स्तंभित थे कि ऐसे सुंदर काव्य में वचन उनके मुख से निकले तो निकले कैसे। वस्तुतः वह भगवती सरस्वती की कृपा का परिणाम था। जो ही महर्षि वाल्मीकि को भगवती सरस्वती ने देखा, उनको लगा यही तो वह पुरुष है जिसकी खोज में मैं इतनी दिनों से भटक रही हूं, यही तो वह विद्वत पुरुष है, विद्वान पुरुष है जिसकी जिह्वा में मुझको निवास करना है। तत्काल उनकी जिह्वा में वो समा जाती हैं और जैसे ही भगवती सरस्वती वाल्मीकि की जिह्वा में समाती हैं, बैठती हैं, उनमें अनुपम कवित्व शक्ति का प्रचार, अनुपम कवित्व शक्ति संचरित होती है और फिर उस कवित्व शक्ति के बल पर वे रामायण की रचना करते हैं। तो ऐसी है भगवती सरस्वती, सर्वदा सबका कल्याण करती है। वाणी और बुद्धि के रूप में उसकी कृपा का तो हम अनुभव करते ही हैं। कालांतर में वे ही शक्ति के रूप में अवतीर्ण होकर
शंभु निशंभ आदि राक्षसों का संहार करती हैं। गायत्री के रूप में विश्वामित्र को ज्ञान वे देती हैं। सर्वत्र ज्ञान का प्रचार भगवती सरस्वती करती हैं। जो उनकी पूजा अर्चना करता है, जो उनके चरणों के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखता है, भगवती सरस्वती उनके जीवन को धन्य करती हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन को भगवती सरस्वती ने धन्य किया। उनकी जिह्वा पर वे बैठी 11 सितंबर को 1893 को जब वो शिकागो धर्म महासभा में वक्तव्य देने के लिए बैठे थे, उनका नाम पुकारा गया। 7,000 लोग उस आर्ट गैलरी में बैठे हुए थे और इतनी बड़े जन समुदाय में विवेकानंद जी को कभी बोलने का मौका नहीं मिला था। वे तो बहुत भयभीत हो रहे थे, उनका गला सूख रहा था, शरीर कांप रहा था। अध्यक्ष महोदय से उन्होंने अनुरोध किया कि नहीं, अभी मेरे को बाद में मौका दीजिए। बाद में अध्यक्ष महोदय ने फिर बुलाया, वो बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। बार बार बुलाने के बाद भी जब स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, तब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अब ये अंतिम बार है, इसके बाद आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और तब स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए उठे, उनका गला सूख रहा था, शरीर कांप रहा था, अंदर से अत्यंत भय का अनुभव कर रहे थे। और ऐसे तनाव की स्थिति में उन्होंने भगवती सरस्वती का स्मरण किया, भगवती सरस्वती को प्रणाम किया। और जो ही उन्होंने भगवती सरस्वती का स्मरण करके प्रणाम किया, भगवती सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजित हो गई। और फिर आप सभी जानते हैं कि 5 मिनट के उनके वक्तव्य ने स्वामी विवेकानंद को सारी दुनिया में अप्रतिम बना दिया, विश्व विख्यात कर दिया। तो ऐसी भगवती सरस्वती हैं, कृपा करने के लिए हम सब पर आई हुई हैं। हम इनकी प्रार्थना करें। आइए प्राचीन ऋषियों के शब्दों में ही हम भगवती सरस्वती की प्रार्थना करें। वीणाधरे विपुल मंगल दान शीले भक्तार्थ नाशिनी विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदे खिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायनी सरस्वती नौमी नित्यम। हे वीणा धारण करने वाली, अपार मंगल प्रदान करने वाली, भक्तों के दुख को दूर करने वाली, ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा पूजित कर होने वाली, कीर्ति प्रदान करने वाली, कीर्ति प्रदे खिल मनोरथ दे महारहे मनोरथ को पूर्ण करने वाली विद्या प्रदायनी सरस्वती, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। मोहांधकार भारिते हृदये मदीये माता सदैव कुरु मम उद्धार भावे। माँ, मेरा यह जो हृदय है वह मोह रूपी अंधकार से भारित है, तुम उस पर उदार भाव रखो और अपनी कृपा से मेरे जीवन को धन्य कर दो। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत् सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। इस प्रकार से भगवती सरस्वती की प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए। भाव से प्रार्थना करनी है, भाषा बहुत आवश्यक नहीं है, भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक नहीं है, भाषा की शुद्धता भी आवश्यक नहीं है, हृदय में भाव चाहिए। तो इस भाव से भगवती सरस्वती से हमें प्रार्थना करनी है। निश्चित रूप से भगवती सरस्वती हमारे जीवन को धन्य करेंगी। तो इन्हीं प्रार्थना के साथ प्रश्नों को विराम कर देता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।